दिल्ली में कितना ट्रैफिक है, और अभी मुझे 33 किलोमीटर जाना है। और कहाँ जाना है? तो चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी भाई बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जैसे कि आप देख रहे हो, मैं स्कॉर्पियो चला रहा हूँ। तो आप थंबनेल टाइटल देख के तो समझ ही गए भाई, आप समझदार तो हो इतने। एक बार यहाँ से देख लो ट्रैफिक, देखो भाई खचाखच ट्रैफिक भरा पड़ा है इसमें। और गाड़ी हमारी चल चुकी है 79,217, ठीक है, समझ गया भाई सर्विस है। तो अब चलो इसकी सर्विस कराते हैं, देखते हैं इसकी 70,000 की सर्विस में क्या कॉस्टिंग आती है। और अभी मैं गाज़ियाबाद लेके जा रहा हूँ, क्योंकि गुड़गांव लेके जा रहा हूँ। गाज़ियाबाद एक दो मैकेनिक को पता करा था भाई, वो इतने भले आदमी हैं कि उन्होंने बोल दिया कि अगर आपको एसी फिल्टर डलवाना तो एसी वाले के पास लेके जाना पड़ेगा। मगर अच्छा, तो वहाँ से गाड़ी उल्टी घुमा लाया फिर। मगर ठीक है, मैं एसी वाले के पास हो जाता हूँ पहले, उसके बाद तेरे पास आता हूँ सर्विस कराने, पहले एसी फिल्टर डलवा लूँ इसमें। ये बंद है क्या, यहाँ से जान नहीं दे रहे, क्या सिस्टम है? जान नहीं दे रहे क्या, बंद है क्या ये? ओ माय गॉड, ये बंद कर रखा है भाई। जब यहाँ पे इतनी भीड़ है भाई, इन्होंने ये टनल ही बंद कर रखी है। मतलब लेट पे लेट होते हैं। एक तो अभी हम किसी काम से गए हुए थे, मैं यार आयुष, तो वहाँ से आए हैं तो जस्ट 3:30 बजे पहुँचे ही थे घर हम। उसके बाद तुरंत बाद ही हमने थोड़ी सर्विस क्यों करी थी, क्योंकि फिर ये थोड़ी जाएगी गाड़ी कहीं पे कल को, उसके बाद टाइम नहीं मिलने का मुझे भी और आयुष को भी। तो वही है कि क्या बोलते हैं इसको, सर्विस करा देते हैं इसकी, क्योंकि ओवर चल रही है। मतलब 1200-1300 किलोमीटर ऊपर चल रही है, 1300-1400 किलोमीटर ऊपर चल रही है सर्विस से, समझ रहे हो। तो ओवर सर्विस कभी चलानी चाहिए, हमने कभी आज तक चलाई भी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। फर्स्ट टाइम बस इस वजह से हो रहा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और आयुष की कॉलेज होते हैं और इतनी दूसरी गाड़ी आ रही थी, एक ही गाड़ी, तो वो डेली कॉलेज लेके जाता है, और संडे को हमारा कहीं ना कहीं शूट प्लान रहता है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। ये भी वीडियो पता नहीं आप कब देख रहे होगे, ये मैंने कब बना रहा हूँ आप पता नहीं कब देख रहे होगे, ये भी नहीं पता मुझे इसे मैं कब अपलोड करूँगा। क्योंकि इस टाइम मैंने वीडियो का बहुत अच्छा खासा स्टॉक बना के छोड़ रखा है, लगभग है 30-31 वीडियो है जो मैंने बना के छोड़ रखी हैं, जो मतलब शेड्यूल कर रखी हैं, वो मतलब शेड्यूल इन द सेंस कि धीरे धीरे अपलोड होती रहेंगे अपने आप को, मतलब करते रहूँगा या आयुष कर देगा थंबनेल टाइटल बना के। तो ऐसा सीन चल रहा है अभी हमारा, क्योंकि दोनों की तरफ ही बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, और भाई यहाँ बहुत ज़्यादा जाम है। अब मैं क्या करूँ, अब उसके पास टाइम सब पहुँच जाऊँ यार। तो अब बता इसमें क्या क्या कमी लग रही है मुझे। एक तो उसका ऑयल चेंज है, मतलब ऑयल ये जो पिकअप होता है ना बहुत कम ले रही है। जैसे अभी हम 4 लोग बैठे थे गाड़ी में, तो जैसे 4th गियर पे भागी चली जाती है, तो पिकअप स्लो ले रही है, यानी कि उठ ही नहीं रही, उठ तो रही है, भाग तो रही है, महिंद्रा का इंजन है ऐसे तो भागेगा तो पूरा, लेकिन क्या है स्लो ले रही है। बाकी थोड़ी गियर ऑयल कम हो रहा है, एयर फिल्टर, एसी फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये सारे फिल्टर चेंज होंगे इसके, और बाकी ये थोड़ी खिंचाई हो जाएगी, थोड़ी बहुत ही आवाज़ कर रही है नीचे से, तो उसके बोल्ट वोल्ट सही हो जाएंगे। और बस ये कि यहाँ से पहले निकल जाऊँ मैं, देखना यार कितनी भीड़ है यहाँ पे। और I-20 आयुष के पास है अभी, क्योंकि मैं ले आया ना स्कॉर्पियो, तो एक गाड़ी वहाँ भी चाहिए घर पे, तो इसलिए वो वहाँ पे नहीं, वही तो उसमें से वो निकाल रहा था मैं यार, मुझे याद नहीं रहा मोबाइल होल्डर ना टाइमलेस में काम आता। और जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, इस फ़ोन की बैटरी भी 45% है, तो देखो शाम तक ही पहुँचूंगा मैं घर, रात तक, तो बस ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, वरना फिर मुझे आपको कल बनानी पड़ेगी। अरे आंटी हैं भाई, इनसे गाड़ी नहीं चल रही भाई, मैं इनके पीछे क्यों लग गया। आंटी हैं, पता नहीं अंकल हैं क्या हैं, देख रहे कितनी जगह खाली पड़ी इसके आगे, पता नहीं क्या है, मत चलाया करो ना यार फिर। चलो ठीक है कोई नहीं, एक तो हमारी गाड़ी को लुक्स बहुत मिलते हैं यार, तो जस्ट। और मैं इतना भला आदमी, मैं आयुष से पेपर भी नहीं लेकर आया गाड़ी के, कि दिल्ली में कोई चेक करने लगेगा तो कौन ही चेक करेगा, छोड़ो कौन ही दिमाग मार रहा है, पता नहीं किस चीज़ का जाम है। देखना पूरा जाम खचाखच भरा पड़ा है, और इसमें मैंने अभी 1000 रुपये का डीजल डलवाया, क्योंकि हम जहाँ सुबह गए हुए थे वहाँ पर हमारा डीजल पूरा ख़त्म हो गया था। तो बस यही है कि अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या चेंज होगा, कितना इसका सर्विस कॉस्ट आएगी, और 70,000 में इतना आप टाइम लैप्स एंजॉय करो या मेरे कुछ शॉर्ट्स एंजॉय करो, लेट्स सी। तनी यार मुझे ना इसमें पहले से ज़्यादा वाइब्रेशन लगने लगी, या तो ये सर्विस की वजह से, देख रहे हो ये देखो, देखो कितनी वाइब्रेट कर रही है ये, है ना, कुछ मतलब पहले से ज़्यादा वाइब्रेशन लग रही है मुझे इसमें, पता नहीं क्यों। और यहाँ से यार देखना कितना जाम है यार यहाँ पे।
एक इसमें एक दिक्कत और हो रही है पता है, जैसा हम स्टार्ट यहाँ पे जैसे गलती से रेड लाइट से रेड लाइट पे बंद हो गई है गाड़ी एकदम, तो भाई ये पता नहीं सेल्फ छोड़ देती है एकदम, कि स्टार्ट कर रहा हूँ सेल्फ छोड़ देगी, स्टार्ट कर रहा हूँ सेल्फ छोड़ देगी, लंबा सेल्फ लेगी, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही, जाके दिखवाते हैं इसको। ये ना अभी हमारे थे ना, हमारे साथ हो गया था रेड लाइट पे, मैं आयुष और दो भाई और थे हम, तो वहां से आ रहे थे रेड लाइट पे, एकदम बंद हुई मुझसे, मैं ही चला रहा था एकदम I20, मतलब I20 क्लच की वो थोड़ी छूटती चली जाती है, थोड़ा ज्यादा छोड़नी पड़ती है, तो मतलब थोड़ा सा रहता है ना कि तुम दूसरी गाड़ी चला रहे हो फिर एकदम दूसरी पे शिफ्ट हो तो थोड़ा तो हमें टाइम लगता है कि इस पे सेट होने में, तो बस वही चीज़ हुई मेरे साथ, मैं कर रहा था इसको और एकदम उससे बंद हो गई, अब नहीं हो रही कहीं भी, लेकिन जब वो ही हो जाती है कभी कभी, तो स्टार्ट कर रहे तो स्टार्ट ही ना हो, ये क्लच कह रहा हूँ, ये सेल्फ मारे, सेल्फ मार दी तुरंत छूट जाए सेल्फ, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसमें। अब जो वही है कि जब तुम्हें जल्दी जाना हो तो जब तुम ऐसे ऐसे कांडना में जरूर मिलेंगे, देखना यार। शिट यार, इतना बड़ा करागा मानना सारा वो की के गाड़ी के टप पे चले सॉरी आज बारिश थोड़ी तेज हो रही है, सारी दुनिया बच पै जाते मुड़ते पैर रखने। भाई गूगल मैप वगैरह कुछ पागल पागल बनाता है क्या इंसान का, मतलब इसने ना मुझे अभी अभी बोला था कि एक रूट है 40 मिनट फास्टर, If I accept, then मैं 14 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा, मगर ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई, ठीक है। तो जब से मुझे इसने दिखाया 40 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा 28 किलोमीटर, ठीक है। और अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ भैया, मुझसे बात करते करते मुझे हो गई थोड़ी बहुत मिनट, तो मतलब कुछ तो हो ही गई, आइए देख लो स्टिल 42 मिनट दिखा रहा है वो भाई, बहुत बार आया है। अगर किसी को लग रहा है कि मैंने यहाँ पे फोन कर रखा है तो भाई ये सबसे कंफर्टेबल लगता है मुझे, ताकि मैं देखता भी रहूँ मेरे ड्राइविंग से हो भी ना भटके, और इसका मैं केबल नहीं लाया वरना तो इससे कनेक्ट हो जाता है हमारा, तो एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो कुछ भी कनेक्ट हो जाता है। तो बस यहाँ से दिल्ली से वसंत विहार के इलाके से निकल रहा हूँ, जो भी एम्बेसी वगैरह पड़ती है, होटल सम्राट वगैरह जो पड़ते हैं सामने जो है, यहाँ से निकल रहा हूँ, बस यहाँ से पहुँच कर डायरेक्ट ही दुकान पर टक्कर मारूंगा सर्विस वाली, मतलब जहाँ हम कराते हैं जाके दिखाते हैं आपको बिल्कुल। जब तुम्हें जल्दी हो और तुम्हें कहीं जल्दी इमरजेंसी में पहुँचना हो कि हाँ भाई मुझे जल्दी पहुँचना है, कि मुझे ये काम है, तब ही तुम्हें हर जगह भीड़ मिलेगी, हर जगह भीड़ मिलेगी, जहाँ तुम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पे तुम्हें भीड़ मिल सकती है। पीक टाइम में, शाम के टाइम, ऑफिस टाइम में यहाँ भाई बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलती है, ऐसा कट है। इधर एयरपोर्ट T3 के लिए चले जाते हैं, आपका लेफ्ट साइड है गुड़गांव जयपुर चले जाते हैं, तो भाई यहाँ मुझे आज तक भीड़ नहीं मिली। लेकिन अब देख लो, जब मुझे जल्दी पहुँचना है, उसे मैंने भैया को मैंने 4:30 का टाइम दिया था, और यार अब ऑलमोस्ट पास हो रहे हैं। अब ये देख लो यार, देखना जहाँ कभी भीड़ नहीं मिलती वहाँ भीड़ मिल रही यार, हद है कसम से। अब मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना कि बस क्या बता दूँ। या तो यार यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है या कुछ हुआ है, जब यहाँ पे भीड़ और जाम हो रहा है। हाँ बहुत ही गंदा एक्सीडेंट हुआ है मेरे ख्याल से, एक बार ये आर्या निकल जाए तब दिखाता हूँ मैं आपको, देखना मतलब कुछ चल रहा है क्या ये एक्सीडेंट का सिस्टम, ये देखना क्या है। एक्सीडेंट भी नहीं है भाई, बस उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो उसे जंप स्टार्ट करा रहा है वो, देख लो। और आगे देखो कितना खुला पड़ा है, चलो अब जल्दी चलते हैं यार। चलो तेल की बत्ती भी जल गई, 1000 रुपये का तेल डलवाया था मैंने इसमें, कोई नहीं अब सर्विस करा लेंगे फिर डलवा देंगे। तो आगे भाई अपनी गाड़ी लेके भैया के पास, हम भैया करेंगे इसमें सर्विस, जो जो मैंने दिक्कत आ रही है इसमें बता दी मैंने, अब एक बार सर्विस कर देंगे फिर चलते हैं। वॉशिंग देखो कितनी गंदी हो रही है, ऐसी ही पड़ी भैया घर में, दिक्कत चल रही है वरना तो हो ही जाती। बाकी इसके वो जो होती ना वाइब्रेशन स्टेयरिंग की, वो कम हो गई थी उससे, अच्छा बैलेंसिंग से कम हो गई। हाँ अब 100 से ऊपर जाती तो ही करती, वैसे नहीं करती। चलेंगे पिछले वाले कम लगते हैं मुझे, आगे वाले से सारे चल जाएंगे, मिट्टी के टायर हैं ये, 30,000 किलोमीटर आराम से चल जाएगा। गाड़ी पहचानने हो नंबर देख के, अज्जू भाई की गाड़ी है ये, जो देखो लगी थी ना भैया की गाड़ी है,
ये पूरी रेडी करा दी भैया ने। देखो तो ये है भाई हमारा पुराना डीजल फिल्टर, इसकी हालत देख लो। और ये नए वाला है ना भैया? हाँ नए वाला है, महिंद्रा का जेन्युइन। तो यही चीज़ है इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ भाई, यहाँ पे हमेशा जेन्युइन चीज़ मिलती है। बाकी ऑयल की कंडीशन बताना एक बार, ठीक है? बताना ज़रूर क्या है, क्योंकि 1000 किलोमीटर फालतू चल गई है। ठीक है, ठीक है भाई। ये एसी फिल्टर है, क्या हाल है इसकी? चौक है, बिल्कुल बिल्कुल चौक हो रहा है। और उसका एयर फिल्टर निकला था, वो एयर फिल्टर बिल्कुल चौक है, मतलब हालत खराब हो रही है, हालत बिल्कुल खराब हो रही है। चलो कर दो बढ़िया से। सर्विस तो टाइम पे ही है, इस बार थोड़ी सी हो गई है, पानी हो गया, पतला हो गया, पानी हो गया ना, मतलब बिल्कुल काला हो गया ना, पानी की तरह हो गया। चलो कोई नहीं, डाल दिया कूलेंट? हाँ ये डाल दिया, हो गया पूरा ऊपर तक? अभी डालना है, पानी डालना है। पानी डलेगा? हाँ पानी मिक्स होता है कूलेंट में, पानी मिक्स होता है। अच्छा, बाकी ऑयल वगैरह भर दिए? हाँ वो सब कुछ। और ये कम था इसमें डाल दिया? डाल दिया। और कब? और बस इंजन ऑयल ले रहा है? इंजन ऑयल ले रहा बस। और एक फैन बेल्ट जो मैंने आपको बताई थी है ना, ये हाँ वो देख लो। बाकी देख लो भाई, सब चीज़ जेन्युइन ही डलती है, यही यहीं आने का यही रीज़न है। ये मुस्कान मोटर नंबर भी शो कर रहा होगा, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। देख लो हर चीज़ महिंद्रा की ओरिजिनल जेन्युइन डलती है। तो यही चीज़ है, अभी देखो बस इंजन ऑयल डलेगा और दिखा दूँगा आपको, और उसके बाद वॉशिंग वगैरह होगी, फिर चार जो भी टोटल बिल होगा वो आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर। ऑलमोस्ट भाई रात हो गई, बस इसकी लाइट और एडजस्ट करा, उसके बाद ये वॉश होगी, उसके बाद काम डन है अपना। एक बार इसके हाई बीम और है, हाई बीम और है जो एडजस्ट करनी है, बाकी तो सब ओके। अब देखो बिल्कुल सही आ गई लेवल में, देख रहे हो ये भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे, नाइस। बस इसकी वाली हाई बीम और है जो नीचे मार रही है, इस और कराता हूँ। अभी लेगी तो नहीं, हिलेगी तो नहीं? ना ना। तो भाई सर्विस तो डन हो चुकी है, 7 बज रहे हैं, 3 घंटे सो के दिन मोए खाना पीना कराता बस, और अब इसकी वॉशिंग होने लग रही है। वॉशिंग होके फिर ये डन हो जाएगी। बाकी कराया मैंने यहाँ से मुस्कान मोटर्स, और नंबर आपको दिख रहा होगा 9971987251। तो आप फ़ोन कर सकते हो अपनी कोई सी भी गाड़ी की, देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट सारी गाड़ी इनोवा विनोवा, और यहाँ पे आपको भैया मिलेंगे। तो अभी भैया पूजा कर रहे हैं, करने देते हैं। तो जब भी आपको आना किसी भी गाड़ी की सर्विस, स्कॉटर स्कॉटर जो भी हो, एकदम एक नंबर की हो जाएगी, तो ज़रूर आना अगर आपको चाहते हो अपनी गाड़ी की अच्छी सर्विस कराना। बाकी अभी वॉशिंग वगैरह हो जाएगी, पॉलिश वगैरह होके एकदम टिंच हो जाएगी, अभी मिलता है जब इसकी पूरी वॉशिंग वगैरह हो जाएगी। तो भाई अपनी गाड़ी हो चुकी रेडी, अब निकलते हैं यहाँ से, ठीक है भैया? ठीक है भैया, मिलते हैं आपसे है ना। इसका वाइपर मंगवा देना, हाँ वाइपर मंगवा दो, ठीक है? चलो भाई, फोटो भेजूंगा वाइपर की फ़ोटो भेजूँ, ठीक है? चलो भाई देखो एकदम बढ़िया तरीके से अंदर से, ओहो मज़ा आ गया, फ्लैश जलाऊँ एक बार। अरे इसकी बैटरी डाउन है यार। तो भाई रात तो मैं घर जाके फिर सो गया था, मैं बहुत ज़्यादा थक रहा था क्योंकि मैं सिर्फ 3 घंटे का सोया हुआ था, और मैं आपको सर्विस कॉस्ट वीडियो में एंड भी करना भूल गया, बीच सर्विस कॉस्ट भी बताना भूल गया। तो उसमें लगे हमारे 5300 रुपीज़ टोटल, जिसमें हमारा एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, और मतलब जो जो हर एक चीज़ है सब चेंज करा दिया था, मतलब ए टू जेड, कूलेंट भी सारा निकलवा के, कूलेंट भी पानी टाइप हो गया था वो सब निकलवा के सब चेंज करा दिया था, इंजन ऑयल वगैरह। तो मतलब उसने नॉर्मली कॉस्ट ली, बाकी अब उसकी अगली सर्विस थोड़ी सी महंगी होगी क्योंकि अगली में ब्रेक पैड चेंज होंगे, और एक दो उसकी राइट साइड की ब्रेक मारने पर राइट जो भाग रही थी वो, तो उसकी गोली वगैरह चेंज होगी, तो वही सब है। तो देखते हैं अब अगली सर्विस अब आएगी 10,000 बाद जब कराएंगे, अभी तो 69 पे कराई है जहाँ तक मुझे याद है, वीडियो में दिखाई दे याद रहेगी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कराएं किलोमीटर से याद रहे, वरना भूल जाते हैं। इस बार भी 1200 किलोमीटर ऊपर चल गई थी हमारी गाड़ी है ना, तो बस यही है अभी यार, ऊपर क्या चल गई थी, चलती इतनी है गाड़ी यार हमारी, पता ही नहीं चलता। मैंने इसकी सर्विस कराई थी, और इसकी सर्विस मैंने कराई थी 57 पे, और ये 2000 चलने वाली है अभी, मुश्किल से मुश्किल 2 हफ्ते हो जाऊँगी, 2 हफ्ते भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, मतलब 2000 किलोमीटर 1-2 हफ्ते में जैसे चल जाती पता भी नहीं चलता।
तो पता ना आपकी सर्विस अगर आप वहाँ कंपनी से कराओगे तो हमारे 7-7.5 हज़ार के आसपास है, 7-8 हज़ार तक अप्रॉक्स बैठ जाता आराम से, और अच्छी करके भी नहीं देते और साले कुछ चेंज भी नहीं करते। चलते सीधा घर, होते हैं फ्रेश वगैरह और फिर एक बार मुझे मंदिर जाना है। तो इसी नोट पर करते हैं वीडियो को ख़त्म। अगर आपको भाई वीडियो कुछ भी अच्छा लगा वीडियो में प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।